हाय एवरीवन, मैं हूँ विभा और मेरे चैनल टेस्टी फूड बाय विभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों और बड़ों दोनों के ही फेवरेट पैनकेक्स। ये पैनकेक्स बहुत ही लाइट, फ्लफी और स्पॉन्जी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पैनकेक्स आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बिना अंडे के बनाना सिखाऊंगी, वो भी चार तरह के वेरिएशंस के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पैनकेक्स। तो गाइस, पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर। ये 1.5 कप मैंने दूध लिया है, ये नॉर्मल दूध है, रूम टेम्परेचर पर, हमें ठंडा दूध नहीं लेना है। ये 6 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी है, ये नॉर्मल चीनी है जिसको मैंने घर पे ही मिक्सी में पीस लिया था। ये 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है, ये सिर्फ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है। ये 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, यहाँ पर हमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करना है, उसके अलावा आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ये 1 पिंच सिर्फ मैंने नमक लिया है। अब जो ये पैनकेक है, मैं बड़े ही मज़ेदार 4 वेरिएशंस के साथ बना रही हूँ। सबसे पहला तो रहेगा हमारा प्लेन पैनकेक, सेकंड है टूटी फ्रूटी पैनकेक, थर्ड है चॉको चिप पैनकेक और फोर्थ है किशमिश पैनकेक। तो चलिए अब ये पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने एक ही बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है। सबसे पहले इसमें जाएगा मैदा, अब इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी, अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, अब जाएगा बेकिंग सोडा, अब इसमें जाएगा नमक। जो नमक है वो हमारे पैनकेक के फ्लेवर को बहुत ही एनहांस करेगा। अब जितने भी ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा ऑयल, ये मैंने ऑयल भी डाल दिया। अब हम इसका बैटर बनाना शुरू करेंगे। जो हमने दूध लिया था उससे इसका बैटर बनेगा। ये 1.5 कप दूध है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। ये हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका बैटर बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एकदम मत डाल दीजिएगा वरना जो ये बैटर है रनी हो जाएगा। हमें रनी बैटर नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, जब ये बैटर बना रहे होंगे तो जो ये बैटर है हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। इस बैटर को अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। देखिए हमारा पैनकेक का बैटर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है, बिल्कुल लम्प फ्री है, इसमें कोई भी लम्प नहीं है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ कैसी होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ये थिक है ना ये रनी है, बिल्कुल इस तरह की बननी चाहिए। तो चलिए हमारा पैनकेक बनाने का बैटर बिल्कुल रेडी है, अब हम इसके पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। मैंने पैनकेक बनाने के लिए ऑलरेडी तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। आप पैनकेक बनाने के लिए नॉनस्टिक तवा या नॉनस्टिक पैन ही लें। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक तवा लिया है, तवा गर्म हो चुका है, मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दी है। अब हम तवे पर लगाएंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लगाना ऑप्शनल है, लेकिन कुकिंग ऑयल लगाने से जो पैनकेक का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आ जाता है। अब इस पे जाएगा पैनकेक बैटर। वैसे जो पैनकेक है वो आइडियली इसी साइज का होता है जिस साइज का मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने पैनकेक का साइज छोटा बड़ा कैसा भी रख सकते हैं। तो जो हमारा पहला पैनकेक है वो है टूटी फ्रूटी पैनकेक। इस पे जाएगी टूटी फ्रूटी। देखिए कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर लग रही है, कितना कलरफुल लग रहा है हमारा पैनकेक। और जो हमारा सेकंड पैनकेक है वो है चॉको चिप पैनकेक। इस पे जाएंगे चॉको चिप्स। अगर आपके पास चॉको चिप अवेलेबल नहीं है तो जो नॉर्मल चॉकलेट आती है, डेरी मिल्क चॉकलेट, आप उसके भी छोटे छोटे पीसेस कट कर अपने पैनकेक पे डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने पैनकेक्स को नीचे की तरफ से 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे, फिर मैं उसके बाद बताऊंगी किस स्टेज पर हमें ये पैनकेक को पलटना है। हमारे पैनकेक्स को नीचे से पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं और छोटे छोटे होल्स भी बन रहे हैं। ये इंडिकेशन है हमारा पैनकेक नीचे से पक गया है। तो जो टूटी फ्रूटी वाला पैनकेक है इसको मैं पलट देती हूँ। वाओ, देखिए कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आया है।
अब हम नीचे से भी इसको लगभग 2 मिनट के लिए पकने देंगे। चौको चिप पैनकेक को हमने टूटी फ्रूटी पैनकेक के बाद डाला था, तो इसे पकने में लगभग 1 मिनट और लगेगा। आप देख सकते हैं जो चौको चिप वाला पैनकेक है, इसमें भी होल्स और बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि नीचे से पक चुका है। तो चलिए इसे भी पलट देते हैं। वाओ, कितना सुंदर कलर आया, आप ये देखिए। जो हमारा टूटी फ्रूटी वाला पैनकेक है, इसको नीचे से पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब पलट देते हैं, देखिए कितना सुंदर, कितना कलरफुल लग रहा है, कितना फ्लफी लग रहा है। ये देखिए कितना लाइट एंड फ्लफी है, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमारा चौको चिप वाला पैनकेक पक रहा है, इसको पकने देंगे लगभग और 1 मिनट, फिर इसको भी पलट के देखते हैं। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं हमारे चौको चिप वाले को भी टोटल पकते हुए, तो इसे भी हम पलट देते हैं। वाओ, ये देखिए कितना ये भी लाइट एंड फ्लफी बना है और कितना अच्छा सुंदर कलर आया इसका। तो चलिए इसे भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम दोबारा कुकिंग ऑयल लगाएंगे अपने नॉनस्टिक तवे पर। ये मैंने लगा दिया है, अब इस पे जाएगा बैटर पैनकेक का। ये मैंने इसमें भी 2 पैनकेक्स बनाए हैं, एक बनेगा किशमिश पैनकेक और एक रहेगा बिल्कुल प्लेन पैनकेक। किशमिश वाले पे मैं थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ। और जो प्लेन पैनकेक है वो तो प्लेन ही रहेगा। चलिए अब इसे भी 2 से 3 मिनट नीचे की तरफ से पकने देते हैं, फिर देखते हैं जब इस पे होल्स आने शुरू हो जाएंगे फिर इसको हम पलट देंगे। हमारे किशमिश वाले पैनकेक को पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चलिए इसे पलट देते हैं। वाओ, देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अभी जो प्लेन पैनकेक है इसको हम और 1 मिनट पकने देंगे, क्योंकि ये हमने बाद में डाला था। जो प्लेन पैनकेक्स हैं वो भी बहुत ही यम्मी बनते हैं। अगर आपको वेरिएशंस नहीं पसंद, जैसे टूटी फ्रूटी है, किशमिश है, चॉकलेट चिप है, या आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आप प्लेन पैनकेक्स बनाइए, वो भी बहुत यम्मी बनते हैं। वैसे भी जब ये पैनकेक्स बन जाएंगे तो हम इन पर हनी और चॉकलेट सिरप भी स्प्रेड करेंगे, जिससे ये और भी मज़ेदार हो जाएंगे। तो चलिए हमारा प्लेन पैनकेक भी पक चुका है, इसको भी हम पलट देते हैं। वाओ, देखिए कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आया है इस पे भी। चलिए अब जो किशमिश वाला पैनकेक है इसे पलट के देखते हैं। 2 मिनट इसको हो चुके हैं नीचे से पकते हुए। ये देखिए, वाओ कितना बढ़िया से कलर आया, कितना फ्लफी बना है। ये देखिए, इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमारे प्लेन पैनकेक को नीचे से पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब इसे भी पलट के देख लेते हैं। वाओ, कितना सुंदर कलर आया इसका भी, कितना फ्लफी बना है। ये देखिए इसकी फ्लफीनेस देखिए। तो चलिए इसे भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बाकी के बचे बैटर के भी हम सेम इसी तरह से सारे पैनकेक बना के रेडी कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे इतने सारे पैनकेक्स। देखा कितनी फटाफट बन गए हमारे इतनी तरह के पैनकेक, टूटी फ्रूटी के, चॉकलेट चिप्स के, किशमिश के और प्लेन भी। आप इन पर हनी भी डाल सकते हैं और चॉकलेट सिरप भी, दोनों के साथ ये बहुत ही यम्मी लगेंगे। तो चलिए मैं आधों पर हनी स्प्रेड कर रही हूँ और आधों पर मैं चॉकलेट सिरप स्प्रेड करूँगी। ये देखिए इस तरह से बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। ये देखिए, ये मैंने हनी डाला है, मैं और भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। वाओ, यम्मी। तो चलिए ये हनी वाले हो गए, अब डालते हैं दूसरे पे चॉकलेट सिरप। वाओ, बहुत ही यम्मी लगते हैं, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने चॉकलेट सिरप भी स्प्रेड कर दिया है। देखा, आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। तो सोचिए बच्चों को कितने पसंद आएंगे। लग रहे हैं ना बड़े ज़बरदस्त, मज़ेदार और सुपर यम्मी पैनकेक्स। इसको चाहे आप ब्रेकफास्ट में बनाकर खाएं या एज अ डेजर्ट बनाकर खाएं। तो है ना फ्रेंड्स, कितनी ईजी रेसिपी लाइट और फ्लफी पैनकेक्स बनाने की। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और हाँ, मेरा चैनल टेस्टी फूड बाय विभा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की वीडियोस भी मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं एक अगली डिलीशियस रेसिपी के साथ। बाय बाय।